हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और आप देख रहे हैं ग्लिटर्स इन्फोटेक की एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओप्पो F11 Pro के बारे में। करेंगे इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और बताएंगे आपको इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। सब्सक्राइब करें ग्लिटर्स इन्फोटेक चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बॉक्स है हमारा ओप्पो F11 Pro का और मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 6GB रैम और 64GB रोम का। इसके बॉक्स के इस साइड पे इसकी MRP और स्पेसिफिकेशंस हैं। दोनों साइड्स पे इसके लोगो है और बैक साइड पे कुछ हाईलाइट्स हैं, जैसे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर, VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, हाइपर बूस्ट सॉफ्टवेयर है इसका और 16.5 सेंटीमीटर्स की पैनोरामिक डिस्प्ले है। अब इस बॉक्स को खोलते हैं और इसके बॉक्स कंटेंट पे भी एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक पैकेट और इस पैकेट के अंदर है हमारा सिम इजेक्शन के लिए पिन और साथ ही साथ एक केस मिलता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक केस है। मतलब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा ओपेक है बट ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद इसके अंदर हमें मिलती हैं ये दो मैनुअल, एक कोई गाइड है और एक यूज़र मैनुअल है। और इसके बाद इसके अंदर हमें मिलता है हमारा फ़ोन जो कि एक पॉलिथीन के अंदर रैप है और इसके अंदर हमारा हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसके अंदर हम दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और अब इसके बाद हमें मिलता है हमारा एक चार्जर और ये चार्जर हमारा 4 एम्प और 5 वोल्ट पर काम करता है। इसका मतलब ये 20 वोल्ट का चार्जर है और क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। और इसके बाद ही हमारी एक केबल है USB टू माइक्रो USB जो कि एक प्रोप्राइटरी केबल है इनकी VOOC चार्जिंग के लिए जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके बाद हमें मिलते हैं इसके अंदर ये हमारे ईयरफोन्स और अगर इसको खोल के देखें हम तो इसके जो ईयरफोन्स का डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक एप्पल के आईपॉड्स की याद दिलाते हैं हमें और बिल्कुल उसी के जैसा लगता है देखने में। अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन और लुक्स के बारे में। ये फ़ोन बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन लगता है हाथ में लेने के बाद। और इसकी बैक साइड में मेरा ब्लू कलर है और इस ब्लू कलर में इसके अंदर दो और कलर के ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीनिश कलर का। और ये हाथ में लेने के बाद बहुत ही अच्छा फ़ोन लग रहा है और बैक साइड में इसमें ओप्पो की ब्रांडिंग है, साथ में लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय ओप्पो और उसी के ऊपर है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ में है ड्यूल कैमरा सेटअप। और इसके फ्रंट में हमें मिलता है एक बेजललेस डिस्प्ले जो कि 6.5 इंचेस का पैनोरामिक स्क्रीन है इसके अंदर, फुल HD डिस्प्ले है और 19.5:5 एस्पेक्ट रेशियो है इसका। और साथ ही साथ इसमें हमें मिलता है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और ये पॉपअप कैमरा बिल्कुल सेंटर में है। बाकी फ़ोन्स में आपने देखा होगा किसी में लेफ्ट में किसी में राइट में है, बट इसमें जो सेंटर में दिया है पॉपअप कैमरा वो बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत बढ़िया लुक देता है इस फ़ोन को। और ये फ़ोन देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है और उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा बल्कि भी है, थोड़ा हैवी भी लगता है। और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन है 6.5 इंचेस की और साथ ही साथ इसकी बैटरी बहुत बड़ी है 4000 mAh की। अब आगे बढ़ते हैं और इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेसर जो कि मीडियाटेक P70 है और साथ ही साथ इसमें 6GB की रैम और 64GB की रोम है जो कि आपके डे टू डे लाइफ के टास्क को बड़े अच्छे से हैंडल करेगी। और सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर एंड्रॉयड 9 है जो कि लेटेस्ट है और साथ में इसमें ओप्पो का अपना कलर OS है। अगर आप कोई अपने लिए ऐसा फ़ोन देख रहे हो जो फ़ोन बहुत स्टाइलिश हो, जिसकी लुक्स बड़ी इंप्रेसिव हो, जिसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो और उसका कैमरा भी लाजवाब हो तो ये फ़ोन आपके लिए है। बट अगर आप देख रहे हैं कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ोन मिल जाएंगे बेटर परफॉर्मेंस और बेटर प्रोसेसर के साथ। अब अगर कैमरे की बात करी जाए तो इसमें फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा और बैक साइड में इसके 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा। जिसकी क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बुके इफेक्ट्स, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स बहुत अच्छे दिए जाते हैं इससे और डिटेल्स भी जो हैं बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। और अब बैक साइड में जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है इसकी बात करी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा फास्ट है, टच करते ही फ़ोन को अनलॉक कर देता है ये। और फ़ोन के अंदर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं।
और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन है। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप इसको एक बेस्ट प्राइस पे परचेज़ कर सकते हैं। और ये थी इस फ़ोन की फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग। मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ रेगुलर देखना तो ग्लिटर्स इंफोटेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी बनाई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी बनाई वीडियोज़ कोई भी मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई कैरेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।